जमीन भाई, ये फसल अवशेषों से आप कुछ लाए हैं दिखाने के लिए हमारे को, ये क्या दिखाने के लिए लाए हैं, क्या चीज है ये? ये सर एक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिकेट्स। ब्रिकेट्स? हाँ, ब्रिकेटिंग मशीन्स होते हैं। ओके। पहले चाइना में बहुत ज्यादा होते थे, अब इंडिया में भी बना रहे हैं। अच्छा। हमारे गुजरात में राजकोट है जो इंजीनियरिंग चीजों के लिए बहुत ही बढ़िया मशीनरीज बनाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कुछ बहुत सालों से ये बना ही रहे हैं। क्या सफेद कोयला बोल रहे हैं? ये सफेद कोयला है। ये देखिए सर, ये इसको कॉम्प्रेस करके दबा के ऐसा कोयले के रूप में बना दिया जाता है। ये इसको रैपिंग किया है, छूट ना जाए इसलिए, बाकी अच्छा। ये पॉलिसिंग के अलावा ही यूज होता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे चीजों को, फसल अवशेषों को दबा के गठानों के रूप में बना लिया जाता है। और सबसे अभी जैसे हम सुबह वीडियो में बात की थी कि ये अभी 30% कोयलों को रिप्लेस कर रहा है। एनटीपीसी ने अभी टारगेट रखा है 30% कोयला कम यूज करेंगे, ब्लैक कोयले की जगह पे ये व्हाइट कोल तो यूज किया जाएगा। गुजरात से स्पेशल हरियाणा के किसानों को दिखाने के लिए, हाँ जी, ये लेके आए हैं। उस दिन हमारी हरप्रीत जी से बात उठी थी मीटिंग में कि क्या ऐसा प्लांट लगाया जाए कि जिसमें फसल अवशेष जो है हमारे उनको किसी तरह इस्तेमाल में लाया जा सके। ये देखिए सर, ये राइसस से बना हुआ है। अच्छा। हाँ, अब देखिए ये पूरा राइसस को, इसको आग जला सकते हैं? हाँ, ये जला सकते हैं। और वजन भी देखिए आप, ये पूरा, ये 3-4 पीस जो है वो 2 किलो 400 ग्राम का ये आया हुआ है, तो वजन भी बढ़िया है और स्टोरेज का भी कोई इश्यू नहीं। अब 2 किलो तूड़ी या फिर राइस रोज हमें स्टोर करनी है तो कितनी जगह चाहिए सोचिए, और ये सिर्फ इतना में 2 किलो हो गया। तो ये टेक्निक है सर, इसे सिर्फ बनाना है, इसके लिए ज्यादा कुछ लगता भी नहीं है। इसमें सिर्फ मॉइस्चर कम करना होता है, हाँ, और इसके मतलब पार्टिकल्स जो चाहिए होते हैं उतने छोटे करने होते हैं, बाकी ये बहुत बढ़िया तरीके से बनता है। 1 घंटे में करीबन 4 टन माल प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे भी बड़े मशीन्स आते हैं, 90 HP इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और छोटे मशीन्स होते हैं वो डीजल इंजन से भी चल जाते हैं, वैसे होते हैं, ये चीज़ बनती है। ये एक अभी के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। दिसंबर 2016 से मैं अब फिर से बता रहा हूँ, NTPC ने 30% कोयला की जगह पे ये यूज करना शुरू कर दिया है। अभी आज ही मैंने एक खबर में सुना है कि 6.5 रुपये पर KG के हिसाब से ये चीज खरीदने वाले हैं NTPC, उन्होंने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है। तो सर मैं तो बोल रहा हूँ 4 रुपये में भी जाए तो कुछ गलत नहीं है, हम तो जलाते ही थे पहले, अब इसे बना के बेचना है तो एक और रेवेन्यू का बड़ा ऑप्शन मिल रहा है। तो इसको सर किस तरह, जैसे मान लो आप राइस का इकट्ठा बेलर से इकट्ठा करके बने? नहीं, बेलर चीज अलग है। अच्छा। बेलर से हमने इकट्ठा कर लिया। मैं आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया, बेलर को हम यूज कर ही रहे हैं। बेलर की रैपिंग मशीन आती है, जैसे सॉयलेज की वैपिंग मशीन आती है, पोलिस हीट उसके ऊपर, जैसे ये वैप किया है, बड़ा बेलर होता है उसको वैप हो जाता है, तो उसे अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं पहली बात, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत तो दबी जाता है, जगह कम ही यूज करेगा। ठीक है, एक बात वो हो गई। अब दूसरी बात, वो बेलर जो थे वो हमने स्टोर कर लिए, अब उसे 4 जगह पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक यहाँ ले आओ इसके लिए, तो फिर उसे खोल के स्प्रेड करना पड़ेगा, स्प्रेडर करना पड़ेगा, पार्टिकल्स छोटे करने पड़ेंगे, वो छोटे हो जाएंगे, डिहाइड्रेटेड है नहीं है तो डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बेज उसमें से 10% से कम चाहिए तो वो कर देना पड़ेगा, उसके बाद सीधा मशीन में चला जाएगा, मशीन ये बना के दे देगी हमें, ये हमें किसी डायरेक्ट बेच देना है। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, जैसे बेलर है यहाँ नहीं लाए हम, तो उसी बेलर में से उसको फैला के एज ए मल्चिंग, जो आवरण करते ना सॉइल में, ऑर्गेनिक खेती में या फिर केमिकल वाली खेती हो, उसमें मल्चिंग के तौर पे, ऑर्गेनिक मल्चिंग मतलब पॉलिसी जमीन खराब करने वाला काम नहीं करके, डिग्रेडेबल, ये खुद ब खुद डिग्रेड हो जाएगा सॉइल में, फर्टिलाइजर के रूप में, जैव तत्व के रूप में ये डिग्रेड होके सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाएगा, तो मल्चिंग के तौर पर उसे स्टोर करने के बाद आप 6 महीने बाद, साल भर के बाद भी उसे यूज कर सकते हैं बेलर के रूप में, जो स्टोर किया होगा उसको। तीसरी एक सबसे बड़ी बात जो है वो अभी नई चीज है, इसमें रिसर्च नहीं हुआ है, जैसे इसमें रिसर्च हो गया है, लोग यूज कर रहे हैं, एक नया पॉइंट बता रहा हूं, मैंने चाइना में मशीन देखे हैं, वीडियोस भी देखे हैं सर जी, वीविंग मशीन आते हैं ना उसके ऊपर उसकी मैट्स बनाई जाती है, मैट्स तो ठीक है,
गद्दे भी बनाए जाते हैं, मैट्रेसेस बनाई जाती है, और वो मैट से भी बन गई, मतलब छोटी सी चद्दर जैसे कुछ बना दिया हमने, तो इंसुलेशन के तौर पे भी बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। और जैसे मल्चिंग की सीट मैंने बता दिया आपको, तो ये बनी बनाई चद्दर के रूप में मल्चिंग भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं।